एंड वेलकम बैक टू माई डेली व्लॉग। तो आज है हमारा ब्राइडल मेकअप संगीत का एंड पार्टी मेकअप्स। तो अभी वो भी है हमारा अर्ली मॉर्निंग, तो अभी हो गया 8:30 और अभी ब्राइड जो है वहाँ पे सैलॉन पे पहुँच चुकी है और उनकी सिस्टर। तो अभी जो है मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, बट अभी स्टाफ उधर पे आ चुका है। तो वहाँ पे अभी जो है पहले ही प्रॉपर पहले जो फर्स्ट वाला स्टेप चलता है क्लिनजिंग एंड ऑल, सारी ड्रेस चेंज करना, तो वही सब लोग वहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी मैं भी यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और मैं भी निकल रही हूँ, बस मैं भी यहाँ पे पहुँच जाऊँगी 5 मिनट्स के अंदर। मैं यहाँ पे हो चुकी हूँ रेडी और अभी मुझे बस शूज़ वेयर करना है। तो जब भी मेरा मेकअप होता है मैं ऐसे ही मतलब क्लोथ्स वेयर करती हूँ जो कि मेरे लिए कम्फर्टेबल रहें फटाफट से काम करने के लिए, मेकअप करने के लिए। तो अभी मैंने जेगिंग्स और कॉटन टॉप वेयर कर लिया है यहाँ पे। गाइस यहाँ पे मैं निकल चुकी हूँ और यहाँ पे बैठा है ब्राउनी। ब्राउनी बाय बाय। तो अभी यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ कॉम्प्लेक्स की बैक साइड एरिया पे। तो अभी जो है यहीं पे फ्रंट एरिया पे ही है हमारा, मतलब फ्रंट एरिया से ही होते हुए है वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे सैलॉन है नवमी। तो ना सबके घरों से खुशबू आ रही है पूरी की और सारे जो भी मतलब डिशेस वगैरह बनती हैं उसकी। तो बस यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और अभी तो सारी शॉप्स क्लोज्ड हैं बट हमारी ओपन हो गई है आज। देखो कालू पहले आ गया है हमेशा की तरह। हेलो गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ तो मुझे लेट हो गया था, तो अभी घर के थोड़े से काम थे, बट मेरा एक ये बेनिफिट है अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे आ जाते हैं टाइम पे। अंदर शायद चल रही है अभी, ड्रेस चेंज हो रहा होगा। अभी यहाँ पे चल रही है फेस की क्लेंजिंग। हेलो गुड मॉर्निंग, आपसे बोल रही हूँ। कैसा मेकअप चाहिए आपको आज? हाँ ठीक है, जैसा हम चाहें वैसे ही कर देता है। सो गाइज अभी मेरी जो ब्राइड है उनका आउटफिट है मस्टर्ड येलो एंड पिंक। तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उनके आई मेकअप से, तो अभी देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है आई मेकअप से। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले क्या फ़ायदा होता है कि हमारा जो भी हमारा आई मेकअप की शेडोज हैं वो नीचे फॉल करेंगे तो वो हम इजीली जो है वाइप ऑफ कर लेते हैं। तो अभी सबसे पहले मैंने करा है लाइट कलर से स्टार्ट। तो थोड़ा सा मैं जो है कॉम्बिनेशन इनका यहाँ पे दूंगी पिंक शेड में, बिकॉज इसमें जो है पिंक हाईलाइट है जो रहेंगे। तो अभी यहाँ पे जो है बिल्कुल ये वाला पिक करा हुआ है कलर हमने बहुत लाइट सा। तो इनकी आई के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे करने वाली हूँ हेलो आइज, बिकॉज आई में स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है मीडियम रेंज का। तो यहाँ पे हेलो आइज करेंगे तो उससे क्या होगा कि इनकी आई का एरिया जो है और एनहेंस होके आएगा। तो हेलो आइज में क्या होता है कि हम साइड में जो है बिल्कुल डार्क कलर यूज़ करते हैं और यहाँ पे जो मिडल पोर्शन है तो वहाँ पे जो है बिल्कुल लाइट कलर आता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी आई का जो साइज होता है वो थोड़ा सा एनहेंस हो जाता है। तो अभी मैंने यहाँ पे यूज़ किया डार्क कंसीलर और उससे मैंने क्या किया जो हेलो आई का शेप बन गया तो वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। और हम यहाँ पे करेंगे बहुत लाइट शेड यूज, उससे क्या होगा कि जो भी हम कलर पिक करेंगे वो सेम वही इंटेंसिटी जो है कलर की यहाँ पे आएगी। तो अभी देखो साइड में हमने यहाँ पे डार्क यूज किया है और मिडल में हमने कर लिया है कंसीलर से लाइट। तो उसके ऊपर अभी हम लोग जो स्पार्कल या ग्लिटर जो भी हम यूज करेंगे पिगमेंट्स वो सब यहाँ पे लाइट कलर्स के होंगे और दोबारा से यहाँ पे जो है डार्क कलर्स पिक कर लेंगे। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जेल लाइनर और उसको बहुत दूर तक हम लोग एक्सटेंड नहीं करेंगे बिकॉज आइस के अकॉर्डिंग वो जाएगा नहीं। और इसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ फॉल्स आई लैशेज और जो भी मेरा शेडो यहाँ पे फॉल हुए थे तो वो मैंने जो है ब्रश से वाइप ऑफ कर लिए हैं। सो मेरी यहाँ पे जो ब्राइड है इनका कलर है डस्की, तो हम बहुत ज़्यादा फेयर नहीं करेंगे। आई बिलीव कि मेकअप में जो है स्किन टोन 1 या 2 आप लाइटर कर दो बट आपके जो फीचर्स हैं वो इनहेंस हों तो मेकअप बहुत अच्छा लुक के लग के आता है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्ट्रॉन्ग वाली शेड्स फ्रॉम नार्स, तो ये वाला यहाँ पे जो इनके स्किन टोन पर पूरा परफेक्ट जाएगा और इसके जो है 2-3 ड्रॉप्स ही इनफ हैं और उसी को हम पूरा जो है अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ये केवल 2-3 ड्रॉप्स और वो इतने सारे हो जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये ना पूरा फेस कवर कर लेगा इजीली। अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो फिर हम थोड़ा सा और ले लेंगे बट इतना ही ना होगा। और ये वाला जो पोर्शन है तो ये जो है थोड़ा सा डार्क था तो इस पर हमने प्रॉपर जो है
करेक्शन कर दी है, उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन। एंड यहाँ पे जो है हमारा बेस हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेकअप, वो है लिप शेप। तो अभी यहाँ पे जो है कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी ओवरलाइन की ज़रूरत तो नहीं है। तो अभी जो लिप का शेप था तो उसी को मैंने पूरा आउटलाइन कर लिया है और अभी मैं पूरे इनर कॉर्नर्स यहाँ पर फिल कर रही हूँ। और हमारे जो लिप्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेकअप में उनका शेप। सो देखो यहाँ पे ये हो चुकी हैं रेडी और ये है इनका फाइनल लुक। तो अभी इनका होगा हेयर, फिर उसके बाद ब्रेस्ट रैपिंग होगी, उसके बाद देखते हैं इनका पूरा फाइनल लुक। एंड यहाँ पे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्राइड के सिस्टर का मेकअप। और इनका हेयर डू यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, सो इट्स एन एडवांस हेयर डू विथ लेयरिंग। और प्लीज़ रेट हर हेयर डू इन द कमेंट सेक्शन। और यहाँ पे जो है हमने कर दिया था ब्राइड की सिस्टर का मेकअप, तो बहुत सटल सा उन्हें यहाँ पे मेकअप चाहिए था और वैसा ही उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने कर दिया था। तो बस अब इनकी बची है यहाँ पे ड्रैपिंग, ऑलमोस्ट इनका डन हो चुका है मेकअप। एंड यहाँ पे जब तक मैंने कंप्लीट किया था ब्राइड के सिस्टर का मेकअप, तो यहाँ पे जो है हेयर डू हो चुका है ब्राइड का। तो उनका बनाया है हमने जो है मर्मेड ब्रेड और यहाँ पे जो है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। एंड यहाँ पे अभी लग रहे हैं फ्लावर्स, तो ब्राइड की जो सिस्टर हैं उनको चाहिए था मैसी सा बन, तो वही हमने बना दिया था एडवांस लेयरिंग के साथ। और यहाँ पे जो है लग गए थे अभी फ्लावर्स, तो बहुत सुंदर सा जो है हेयर डू लग रहा था। अब यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट, तो ये है अभी नमकीन सिमई और यहाँ पे सूजी, और अभी यहाँ पे चल रहा है हेयर डू। हेयर डू भी ऑलमोस्ट हो गया, अब ड्रेपिंग बची है और फिर उसके बाद हो जाएगी हमारी ब्राइड रेडी। सो ये रहा हमारी ब्राइड का फाइनल लुक। रेट हर लुक आउट ऑफ 10 इन द कमेंट सेक्शन एंड डू विजिट दीपिका सनवाल मेकअप स्टूडियो। ब्राइड यहाँ पे हो चुकी है रेडी फुल और अभी वो जा रही है। बाय बाय। बाय जी, थैंक यू दीपिका जी एंड स्टाफ, वेलकम। बाय। सो गाइज आज का ब्लॉग होता है यहीं पे एंड। सो हम लोग मिलते हैं कल के मेकअप ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय। और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय बाय।